का भी नहीं है तो पांच सौ के अंदर फिर दो सौ दे दो ना बाकी क्या सौ रुपए ला के दे दियो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम नेपन सियाल हाँ जी किसी को लास्ट लेक्चर में कोई डाउट हो लास्ट लेक्चर में कोई डाउट ठीक है जी आज स्टार्ट करते हैं पर देख लेते हैं कोई डाउट तो नहीं है किसी स्टूडेंट का हाँ जी हाँ जी रणवीर जी लेंटल के थोड़े एम हैं जो एम आप फॉलो कर सकते हो एम के लिए हमने इसके अलग से शीट्स बनाई हैं उसमें हम डाल देते हैं जो चीज़ें लेफ्ट रह जाती हैं लास्ट लेक्चर वाले अभी तक पहुंची नहीं मैं चेक कर लेता हूँ एक बार वैसे आ जानी चाहिए थी चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आज का टॉपिक है ब्रेक मैसेंड्री आज का टॉपिक है हमारा ब्रेक मेसेंडरी ठीक है जी ब्रिक मेसेंडरी से स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी क्वेश्चन आते हैं हमारे ब्रिक मैसेंड्री से चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से टॉपिक अब ब्रेक में सेंट्री पे काफी क्वेश्चन आते हैं हमारे स्ट्रेचर हेडर और मेजरली पोर्शन यहाँ से एक्सपेक्टेड है पेपर में आने का अच्छा कोई बात नहीं मिल जाएगी आकर्षण जी आज मैं देख लेता हूँ हाँ जी उसमें कुछ पॉइंट्स लिखवाने हैं कोई बात नहीं पुनीत जी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कल वाला पीडीएफ अगर ऐप पे अपलोड नहीं हुआ चेक कर लेते हैं ठीक है जी चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसमें राजपाल जी लास्ट में मैंने सिर्फ वैल्यूज लिखानी है इसके बाद लिखा होगा ब्रिकमे के बाद जो थ्योरी थी वहीं पे कंप्लीट हो गई थी सिर्फ वैल्यूज लिखवा रहे थे आपको चलिए जी स्टार्ट करते हैं ब्रिक मेसनरी में द आर्ट ऑफ बिल्डिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर इन ब्रिक विथ सुटेबल मोटार मतलब जब हम ब्रिक में क्या करते हैं मोटार डालते हैं तो क्या बनता है हमारा ब्रिक मेसनरी अब मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर स्टोन मेसनरी हो गया है या ब्रिक मेसनरी की बात करें अगर ब्रिक मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ब्रिक मेसनरी की बात करें हम तो ब्रिक चाहिए और मोटर चाहिए हमारे को एक ब्रिक चाहिए और सेकंड क्या चाहिए मोटर चाहिए उसकी डायमेंशन है क्या स्पेसिफिकेशन होती है सिलिका क्या कर रहा है एलुमिना कलर दे रहा है वो सारी हम किस में पढ़ते हैं बिल्डिंग मटेरियल में कंस्ट्रक्शन में हम कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बढ़ते हैं कि कैसे ब्रिक को रखा जाएगा कैसे हम इसको प्लेस करेंगे और प्लेस करने के स्टाइल को क्या कहा जाएगा ठीक है ब्रिक क्या है जी आर्टिफिशियल मसनरी है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक प्रिपेयर्ड क्ले मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में मतलब इस तरह की फॉर्म में होती है वो हमें क्लियर ही है तो ये क्या होती है मेरी ब्रिक होती है ठीक है कहीं जगह पे ब्रिक टाइल यूज कराई जाती है एन आर्टिफिशियल मेसनरी यूज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक प्रिपेयर्ड बाय क्लिंग हैविंग थिकनेस कंपेयर लेस देन अ ब्रिक मतलब अगर हम पतली ब्रिक्स लगाएंगे तो ब्रिक क्या बोली जाती है ब्रिक टाइल्स बोली जाती है ब्रिक बोली जाती है फाउंडेशन में सिर्फ पॉइंट्स लिखवाने हैं जी देखिए, अब मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाता हूँ क्लियर पहले थोड़ा सा इससे ही समझ लेते हैं अब ये जो मेरी ब्रेक है इस पार्ट को क्या कहता हूं मैं स्ट्रेचर ये टर्म्स आगे यूज होंगे एक बार टर्म्स यहीं क्लियर कर लेते हैं ठीक है और ये क्या हो जाएगा हेडर तो ये क्या हो गए स्ट्रेचर हो गए और ये क्या हो गए हेडर हो गए ठीक है तो अब ये जो कोर्स बन रहा है ये हेडर कोर्स बन रहा है ये हेडर्स बन रहे हैं मतलब सारे क्या लगा दिए हमने हेडर्स लगा दिए और ये स्ट्रेचर कोर्स बन रहा है क्योंकि ये भी स्ट्रेचर है ये भी स्ट्रेचर है और ये भी स्ट्रेचर है तो हेडर क्या होता है मेरा ये वाली डायमेंशन और स्ट्रेचर क्या होती है मेरी ये वाली डायमेंशन हेडर स्ट्रेचर ठीक है ये सारे स्ट्रेचर्स हो गए ऊपर वाले क्या हो गए गए तो ये हेडर कोर्स है एक और ये स्ट्रेचर कोर्स हो गया अब यहां पे जो जॉइंट्स लग रहे हैं हेडर में वो उसको क्या बोला जाएगा हेड जॉइंट जो स्ट्रेचर में लॉन्गिट्यूड लग रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा हॉरिजोंटली लग रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा बेड ज्वाइंट जो हॉरिजोनटली लग रहे हैं उनको क्या बोला जाएगा हेड जॉइंट अब इसमें जो टर्म्स यूज होती हैं इस पूरे को क्या बोला जाएगा जो सीधी ब्रेक लगा रहे हो दैट इज कॉल्ड वन कोर्स इसको क्या बोला जाता है जी वन कोर्स बोला जाता है क्या बोला जाएगा इसको कोर्स और जो एक कॉर्नर पोर्शन होता है ब्रेक का कॉर्नर पोर्शन है जो ब्रेक का दैट इज कॉल्ड क्वेनेंस अभी आपको सारी डेफिनेशंस वहां पे बतानी है बट मैं आपको समझा रहा हूं तो जो कॉर्नर पोर्शन होगा ना उसको क्या बोलेंगे क्वेनेंस ठीक है जी कहां पे लगे हैं ये कॉर्नर पे लगे हैं फिर जो टर्म्स यूज होती है मेरी कॉर्नर पोर्शन को क्या बोल रहे हैं क्वेनन बोल रहे हैं अब जो मेरा पोर्शन है स्ट्रेचर्स वाला ये मेरा स्ट्रेचर स्ट्रेचिंग कोर्स बन रहा है और यहाँ मेरा एक हेडर कोर्स बन रहा है ठीक है जो कॉर्नर मोस्ट पोर्शन है दैट इज कॉल्ड रैकिंग बैक मतलब जो बैक वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड रैकिंग दैट पोर्शन इज कॉल्ड रैकिंग अब यहां पे एक जॉइंट है फिर मेरा अल्टरनेट कोर्स मतलब ये छोड़ के फिर एक जॉइंट है फिर एक जॉइंट है इन जॉइंट्स की लेयर को क्या बोला जाता है परपेंड इस जॉइंट्स की लेयर को क्या बोला जाता है परपेंड बोला जाता है जॉइंट्स की लेयर को क्या बोला जाता है परपेंड बोला जाता है ठीक है जी आगे क्वेन क्लोजर स्ट्रेचर क्वीन क्लोजर कैंकलोजर में अभी आपको पहले बताऊंगा बट अभी हम क्या करते हैं पहले थोड़ी थ्योरी और देख लेते हैं बाकी हमारे पास सारे डायग्राम्स में है ही हैं अभी पहले आपको अब वापस थ्यूरोटिकल पार्ट पे चलते हैं थ्योरोटिकल पार्ट से करते हैं फिर इसको कॉन्टिन्यू करके समझाएंगे दोबारा यहाँ तक अभी हम स्टार्ट कर रहे थे ये राजी ब्रिक मैसेज है। है क्या होता है जी इंटरसेक्शन होती है दो प्लेन ब्रिक्स की ठीक है दैट इज कॉल्ड अराइजेस अभी आगे हरप्रीत जी आएगा रिपीट कर देंगे कोई नहीं फ्रॉग फ्रॉग क्या होता है जी हर एक बंदा ना यहाँ पे ऊपर मैन्युफैक्चर में अपना क्या करता है लोगो लगा देता है अपसाइड डिप्रेशन होती है तो जो अपसाइड डिप्रेशन प्रोवाइड करा जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए फ्रॉक frog. Frog बड़ी बार पेपर में आया है अपसाइड डिप्रेशन को कहते हैं आजकल देखते हैं ट्रिपल के कंपनी की ब्रिक्स आती हैं. एम के कंपनी की अलग अलग कंपनीज की ब्रिक्स आती हैं. जो भी बट्टे हैं मतलब ब्रिक्स मैनुफैक्चर वाले हैं वो अपना यहाँ पे लोगो लगा देते हैं नेम लगा देते हैं तो वहां से बता देते है किस कंपनी की ये ब्रिक आई हुई है उसमें भी काफी डिफरेंस है कि किस क्वालिटी की ब्रिक बनती है उसमें भी काफी सारी मार्केट में डिफरेंस आ जाता है ठीक है जी अब ब्रिक ऑन बेड द पोजिशन ऑफ ब्रिक वैन लेड विद इट फ्रॉग अपवर्ड इन इनजोटल प्लेन मतलब सारे फ्रॉग अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में लगाऊंगा इस तरह से अगर ब्रिक्स चलेंगी मेरी अपवर्ड डायरेक्शन में तो उसको क्या बोला जाएगा ब्रिक ऑन बेड ब्रिक ऑन ब्रेड मतलब अपवर्ड पोर्शन में फ्रॉग होगा ब्रिक ऑन साइड में क्या होगा द पोर्शन ऑफ अ ब्रिक वैन लेड ऑन इट स्ट्रेचर फेस विथ फ्रॉग इन अ वर्टिकल प्लेन मतलब कुछ इस तरह से स्ट्रेचर फेस लगा दिया और फ्रॉग क्या है मेरा वर्टिकल प्लेन में है इस तरह से लगा रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे ब्रिक ऑन साइड ब्रिक ऑन साइड कोर्स क्या होता है एक हॉरिजोनटल लेयर थे जो मैंने आपको डायग्राम में बताया इच हॉरिजोंटल लेयर ऑफ ब्रिक्स लेड इन अ मोटार इन एनी ब्रिक वर्क ईच टल लेयर ऑफ ब्रिक्स लेड इन मोटर इन एनी ब्रिक वर्क मतलब किसी भी ब्रिक वर्क में जो भी हॉरिजोंटल लेयर होगी दैट इज कॉल्ड कोर्स स्ट्रेचर एंड स्ट्रेचिंग कोर्स अब स्ट्रेचर एंड स्ट्रेचिंग कोर्स क्या है जब वेन ब्रिक लेड विद इट साइड सर्फेस इन एलिवेशन इज कॉल्ड स्ट्रेचर मतलब सारी इस तरह से लगाई जा रही है और ये एक कोर्स को क्या बोला जाएगा स्ट्रेचर कोर्स बोला जाएगा ब्रिक लेड विद इट्स एंड सरफेस और विड्थ इन एलिवेशन विड्थ एलिवेशन में लगा रहे हो आप विड्थ एलिवेशन का मतलब क्या हुआ इस तरह से तो इसको क्या बोला जाएगा हेडर बोला जाएगा इसको क्या बोला जाएगा हेडर बोला जाएगा अभी मैंने कॉर्नर ऑफ द वॉल्स के बारे में बताया था तो कॉर्नर्स ऑफ द वॉल्स को क्या कहते हैं क्विनन्स कॉर्नर ऑफ द वॉल्स आर कॉल्ड क्विनन्स फिर क्वेनन ब्रेक क्या होगी जो एक्सटर्नल कॉर्नर पे लगेगी अभी हमने जो समझा था अगर ये कॉर्नर है इस कॉर्नर पे जो ब्रेक लग रही है दैट इज कॉल्ड क्वेन और क्वेन ब्रेक बोला जाएगा उसको बेड जॉइंट्स का मतलब क्या होता है हॉरिजॉन्टल मोटर जॉइंट्स बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव कोर्स ऑफ ब्रिक वर्क मतलब जो जॉइंट हॉरिजोंटल डायरेक्शन में लगेंगे अभी पीछे डायग्राम में भी समझाया था जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेंगे वो क्या होंगे मेरे बेड जॉइंट और क्रॉस जॉइंट क्या होंगे जो ऐसे चल रहे थे इस डायरेक्शन में तो क्रॉस जॉइंट्स कौन से होंगे जो नॉर्मल में लग रहे हैं पर इज द बेस्ट एग्जांपल पर इज द वर्टिकल जॉइंट बिटवीन ब्रिक्स वेदर इन लॉन्गिट्यूडल इन क्रॉस डायरेक्शंस इसका मतलब क्या है पर का द्वारा डायग्राम में देखते हैं परपेंट्स की डेफिनेशन भी आ सकती है तो परपेंट्स क्या है परपेंट्स के बारे में हम बात करते हैं ये रे जी ये ऑल्टरनेट कोर्स में अगर हम बात करें तो ये ऑल्टरनेट कोर्स में जो ये चीज चल रही है दैट इज कॉल्ड परपेंट्स ठीक है क्योंकि सेम तरह की मेंबर्स हैं ये कोर्स और ये कोर्स बिल्कुल एग्जैक्टली exactly सेम है फिर ऑल्टरनेट कोर्स एग्जैक्टली सेम है ये कोर्स और ये कोर्स सेम है ये कोर्स और ये कोर्स सेम है तो इसको क्या कहते हैं परपेंडिकुलर देखिए एरीज का मतलब क्या होता है जी एजेस फॉर्मड है ठीक है एज की बात कर रहे हैं हम सिर्फ और यहां पे पूरे कॉर्नर की बात कर रहे हैं कॉर्नर का एज और कॉर्नर एरिस क्या है सिर्फ एज बता रहा है और क्वेन क्या बता रही है पूरी वॉल को बता रही है कॉर्नर पे फेसिंग और बैकिंग फेसिंग क्या है जो एक्सपोज सरफेस है वॉल पे जब भी हम कभी भी प्लास्टरिंग करते हैं ऊपर तो हम देखते हैं एक साइड रफ बनती है एक साइड क्या बनती है मेरी क्लीन बनती है काफी फिनिशिंग वाले टाइम पे तो फेसिंग क्या है जो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द वॉल है और बैकिंग क्या होता है जी जो अनएक्सपोज सरफेस है जो अंदरली साइड में हमारे घरों के अंदर है हमारे घरों के अंदर है जी एरीज क्या होता है जी ये ब्रेक क्या मेरी ये कॉर्नर पॉइंट हो गया सिर्फ ये जो एज होगी इसकी दैट एज इज कॉल्ड एरीज एज को एरीज बोला जाता है अब फेसिंग क्या हो गया जो धूप की तरफ को जा रहा है बाहर की तरफ को बैकिंग क्या हो गया अंदर की तरफ को बड़ी बार क्वेश्चन आता है फेसिंग और बैकिंग के बीच में क्या डालते हैं तो इनके बीच में क्या होगा दिल होगा याद रखिएगा फ्रंट फेस और बैक फेस के बीच में क्या होगा एक अगर एक कोई बंदा भी है उसका एक फ्रंट आ, एक बैक है उसके बीच में क्या है दिल है दिल इज मतलब हार्टिंग ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है द इंटीरियर पोर्शन बिटवीन फेसिंग एंड बैकिंग ऑफ द वॉल जो बीच में इंटीरियर फेस होता है जहां पे फेसिंग और बैकिंग के बीच के चीजों को क्या बोलते हैं हर्टिंग और हर्टिंग किससे भरी जाती है एच फॉर हर्टिंग एच फॉर हेडर। अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी इसके ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन बहुत बार आता है हर्टिंग क्या होती है जी एक्सटीरियर और इंटीरियर के बीच का फेसिंग और बैकिंग के बीच का डिफरेंस होता है नेक्स्ट होते हैं बैट्स अब बैट्स के बारे में फिर डायग्राम में समझना पड़ेगा कि ब्रिक को कैसे कैसे हम कट करें और कैसे कैसे हमारे बैट बनते हैं कट करने के बाद कैसे कैसे हमारे बैट बनते हैं ठीक है ये देख लीजिए ये भी हेड जॉइंट है हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये क्या हो गया बैट जॉइंट हो गया अब यहां से समझते हैं देखिए क्वीन क्या करेगी क्वीन पूरा का पूरा बंदे को काट देगी इसका मतलब क्या ये पूरी ब्रिक है ये मेरी विध थी और विध से उठा के इसने क्या करा पूरा का, पूरा का पूरा काट कर दिया अब आपको दिख रहा होगा जो ये हाईलाइटेड पोर्शन है ये कट हो चुका है और ये जो डार्क पोर्शन है वो रिमेनिंग है तो ब्रिक को अगर आप ऐसे रख के हाफ में कट कर दोगे इस तरह से तो उसको क्या बोला जाएगा क्वीन क्लोजर उसको क्या बोला जाएगा क्वीन क्लोजर बैग में क्वीन क्लोजर बोला जाएगा अगर मैं यहां से समझेगा ध्यान से यहां से भी हाफ और लेंथ से भी हाफ कट करता हूं तो इसको क्या बोला जाएगा इस ट्रायंगुलर पोर्शन को जब आप कट करोगे यहां से भी हाफ और यहां से भी हाफ तो उसको क्या बोला जाएगा किंग क्लोजर उसको क्या बोला जाएगा किंग क्लोजर बोला जाएगा ठीक है जी पहला क्वीन क्लोजर याद रखना लेंथ से कट कर दिया मतलब जो इसकी पूरी लेंथ है एक हाफ लेंथ रहेगी है मतलब लेंथ हमारी तरफ से पूरी रहेगी विर्थ में कट हम उसको कर देंगे कोई भी ब्रिक वर्क है उसको ऐसे कट कर रहे हो आप तो उसको क्या बोला जाएगा क्वीन क्लोजर अगर यहां से भी हाफ कट कर रहे हो और यहां से भी हाफ कट कर रहे हो मतलब इतना पोर्शन ब्रिक का कट कर रहे हो इस ट्राइंगर पोर्शन को कट कर रहे हो तो क्या बोला जाएगा किंग क्लोजर बोला जाएगा बिवेल्ड क्लोजर बिवेल्ड क्लोजर में क्या होता है यहां से तो हाफ से कट करते हैं बट यहां पे बिल्कुल भी कट नहीं करा जाता एक पोर्शन से तो मैंने क्या करा हाफ से कट करा बट जाते जाते मैंने क्या करा पूरे पोर्शन तक मैं उसको लॉन्गिट्यूडली ले गया अगर हाफ तक लेके जाता तो किंग क्लोजर हो जाता अगर हाफ तक लेके जाता फुल में ले गए तो, तो क्या हो गया है बिविल्ड क्लोजर अगर हम फुल में ले गए तो क्या हो गया मेरा बिविल्ड क्लोजर हो गया फिर अगर किसी एंगल पे 45 टू 90 डिग्री करोगे तो मीटर क्लोजर होता है जी एम आई टी ई डी तो इसको क्या बोला जाता है मीटर्ड क्लोजर इसको क्या बोला जाएगा जी मीटर्ड क्लोजर बोला जाएगा ठीक है जी यही बता रखा है फुल ब्रिक है ये क्वीन क्लोजर है ये किंग क्लोजर है हाफ पे बीवेल्ड हाफ पे ले गए हैं मीटर क्लोजर एंगल पे ले गए हैं फिर बैट क्या होता है हाफ बैट अगर मैं इस डायग्राम में समझो अगर मैं ऐसे कट कर रहा हूं हाफ में तो इसको क्या बोला जाएगा हाफ बैट इसको क्या बोला जाएगा जी अगर सिर्फ थ्री क्वार्टर बैट मतलब अगर वन बाय फोर्थ कट कर रहा हूं सिर्फ थ्री बाय फोर रिमेनिंग है तो थ्री बाय फोर थ्री क्वार्टर बैट थ्री क्वार्टर बैट बोला जाएगा उसको दोबारा से ये हाफ बैट है ऐसे कट करा थ्री क्वार्टर बैट में यहां से कट करा क्वार्टर में क्या करा सिर्फ छोड़ा ही पोर्शन थ्री बाय फोर कट कर दिया वन बाय फोर पोर्शन रहने दिया क्वीन वाले में ऐसे कट करा किंग वाले में इस तरह कट करा या हाफ से कट करा स्प्लिट में क्या करा है दो हिस्सों में उसको डिवाइड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग चलिए अब यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं दोबारा से देखिए जो मैं आपको करा रहा हूं मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूं और थोड़े एमसीक्यूज करा रहा हूं आपके क्वेश्चन के लिए एमसीक्यूज की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू इस तरह के आते हैं डिफरेंट डिफरेंट जैसे आप स्टूडेंट्स uh, कह रहे थे कि हां जी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ इसका कॉन्सेप्ट के बाद कितने नाइन बाय नाइन में क्या डाल रहे हैं हर्टिंग क्या डाल रहे हैं वो आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करके ही पता लगेगा क्लोजर्स ठीक है द पोर्शन मेड बाय कटिंग द स्टैंडर्ड ब्रग अक्रॉस इन लेंथ सच मैनर दैट देयर वन स्ट्रेचर रिमेंस अनकट और हाफ कट मतलब क्लोजर्स क्या है क्वीन क्लोजर कट कर रहे हैं कि हम उसके बाद देख रहे हैं कि क्या क्या फॉर्मेशन हो रही है क्वीन क्लोजर में क्या होगा अगर अक्रॉस द लेंथ अक्रॉस द लेंथ मतलब विड्थ अक्रॉस द लेंथ मतलब लेंथ के परपेंडिकुलर विड्थ में कट कर रहे हैं हाफ में तो उसको क्या बोला जाएगा क्वीन क्लोजर बोला जाएगा King closer, क्लोजर द पोर्शन ऑफ अ स्टैंडर्ड ब्रिक मेड बाय कटिंग ऑफ ट्रैंगुलर पीस the द सेंटर ऑफ वन हेडर एंड द सेंटर ऑफ वन स्ट्रेचर सेंटर ऑफ वन center सेंटर ऑफ वन स्ट्रेचर इन दोनों के बीच में कुछ कट करेंगे मतलब वही मेरा ब्रिक वर्क यहां से भी हाफ पे कट हुआ और यहां से भी हाफ पे कट हुआ इस ट्रेंगुलर पोर्शन को कट कर देंगे तो क्या कहा जाएगा किंग क्लोजर कहा जाएगा बिविल्ड क्लोजर द पोर्शन ऑफ अ स्टैंडर्ड ब्रिक मेड बाय कटिंग ऑफ ट्रैंगुलर पीस बिटवीन द सेंटर ऑफ वन हैंडर एंड द ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ द स्ट्रेचर फेस अब बिवेल्ड में हमने क्या करा था यहां से तो भाई सेंटर से कट करा और यहां से एंड तक ले गए इस तरह का जो ट्राइंगल कट हुआ दैट इज कॉल्ड बिवेल्ड क्लोजर मीटर्ड क्लोजर किसी एंगल पे वन एंड कट्स प्लेड या मीटर करा जा रहा है किसी एंगल पे दैट इज कॉल्ड मीटर क्लोजर प्लेंथ एंड प्लेंथ लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं द पोर्शन ऑफ अ स्ट्रक्चर बिटवीन द सर्फेस ऑफ द सराउंडिंग ग्राउंड एंड सरफेस ऑफ द फ्लोर इमीडिएटली अब द ग्राउंड प्लिंथ और प्लिंथ लेवल आपको क्लियर है जी ग्राउंड लेवल के ऊपर हमारा एक प्लिंथ लेवल होता है जनरली जो डीपीसी है डैम प्रूफ कोर्सिंग है ये हम एस्टिमेशन वाला पार्ट इसी बिल्डिंग सेक्शन में पढ़ेंगे डीपीसी है डीपीसी कहाँ डाली जाती है जी प्लिंथ लेवल पे डाली जाती है प्लेंथ मैसेनरी द मैसेनरी प्रोवाइडेड फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू प्लेंथ जितनी भी ब्रेक वर्क डाली जाती है वहां तक के लिए उसको प्लेथ मेसनरी बोला जाता है जो उसका कोर्स बनता है दैट इज कॉल्ड प्लेंथ कोर्स सॉफेट आप सबको बताना चाहिए मुझे बताइए जी सॉफेट क्या होगा सॉफेट क्या होगा बताइए मैंने आपको बताया भी था जो सोफेट हमने क्या कहा था इंद्र देवी आपने भी बताई थी एक हैंड बताई थी कि पोड़ियों के नीचे सोफा रखा हुआ है द अंडर सरफेस ऑफ आर्च लिंटल डोर वगैरह वरांडा ओपनिंग को क्या बोला जाता है सोफेट हमने लास्ट टाइम भी इसको पढ़ा था फिर होता कॉलम कॉलम एक आइसोलेटेड मतलब सिंगल कॉलम है जिसकी विर्थ एक्सीड नहीं करती लेंथ से फोर टाइम्स की पिलर क्या होता है आइसोलेटेड वर्टिकल मेंबर है कंसिडरेबल हाइट का ऑर्नामेंट्स वगैरह के लिए यूज होता है हम कहते हैं पिलर्स की रैपिंग कर रखी है नेक्स्ट पियर पियर इंटरमीडिएट मेंबर है कल हमने फाउंडेशन में पढ़ा था जो बीच वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड पियर प्लास्टर क्या होता है जी थिक एंड वर्टिकल लोड बियरिंग मेंबर होता जो इंटेग्रल पार्ट ऑफ द वॉल बन जाता है मतलब कोई वॉल्स के बीच में एक वर्टिकल पोस्ट है दैट इज कॉल्ड पिलास्टर स्टेंशन स्टेंशन स्टील से रिलेटेड होती है द वर्टिकल लोड बियरिंग मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ रोल्ड स्टील स्टेंशन मतलब जहां पे आपने स्टेंशन डाल दी आई एस एच वी आई एस एम बी मेंबर्स डाल दिए तो वो क्या होते हैं स्टेंशन मोटर क्या होता है पेस्ट होता है जी जिससे हम क्या करते हैं बाइंडिंग मटेरियल होता है पानी डाल के उसमें जोड़ा जाता है अब आपके इसमें कहीं पे भी डाउट हो जैसे आपका डाउट आया था रैकिंग वगैरह में तो मैं वो बता हूँ आगे वैसे रैकिंग बॉन्ड हम पढ़ेंगे ही कोई डाउट हो तो अब तक यहाँ तक आप पूछ सकते हैं ठीक है जी दोबारा से रिपीट कर देते हैं। हेडर ये है मेरा पोर्शन स्ट्रेचर मेरा ये वाला पोर्शन है ये कोर्स बोला जाता है इसको क्वेनन बोला जाता है परपेंड है जी मेरा ये भी एक डिफरेंट ऑल्टरनेट कोर्स में जो मेरे जॉइंट्स है दैट आर कॉल्ड जो वर्टिकल जॉइंट्स है परपेंड अगर हॉर्जोंटल हो जाता तो बेड जॉइंट्स हो जाते रैकिंग यहां वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं अभी आएगा भी आगे रैकिंग बॉन्ड ही पढ़ेंगे रैकिंग के बॉन्ड के बारे में ही पढ़ेंगे कॉर्नर से यहाँ पे जहां पे खत्म हो रही है क्वेन कॉर्नर वॉल्स होगी है और इसके अलावा हमने कोई टर्म्स पढ़ी हो ये टर्म्स पढ़ी हैं फुल ब्रेक हो गया हाफ में विथ में कट करेंगे क्वीन अगर आप किंग क्या हो यहाँ से भी हाफ यहाँ से भी हाफ मीटर में एंगल में हो जाएगा बेवेल में यहाँ से हाफ और यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर है थ्री फोर कॉट हाफ क्वार्ट्स या सेंटर क्वार्ट उसके बारे में हो जाएगा देखिए जी फेसिंग और बैकिंग के बारे में बता देते हैं जी सुनील जी उसमें सिर्फ वैसे थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया उसके सिर्फ क्वेश्चन बताने थे लास्ट टाइम पे फेसिंग क्या होगा जी फ्रंट फेस ऑफ द वॉल जो एक्सपोर्ट है बैकिंग अंदर वाला इन दोनों के बीच में क्या डाली जाती है हर्टिंग डाली जाती है और हर्टिंग के लिए क्या कराया था जो जगह रहती है उसमें हेडर्स सबसे ज्यादा सुटेबल होते हैं बेवेल्ड वाले डायग्राम में क्या होता है जी ध्यान से समझेंगे यहां से मैंने हाफ से कट करा और यहां पे बिल्कुल एंड लेगे तो ये जो मेरा एक ट्राइंगुलर पोर्शन होगा हाफ तक लेके जाते थे किंग में और इसमें कहां तक लेके जा रहे हैं बिल्कुल एंड तक लेके जा रहे हैं जी क्विज के लिए पूछ रहे थे अनमोल दी सारे क्विज मैंने डाला हुआ है जो कल जिस लिंक पे आपने क्विज एक्सेस करा था पहली क्लास में वहां पे फाउंडेशन का क्विज डाला हुआ है फाउंडेशन का क्विज डला हुआ है ठीक है जी चलिए अब आगे इसके अलावा कोई डाउट हो चलिए जी क्विज डला हुआ है आप दे सकते हो क्विज परपेंड क्या होता है जी जो ऑल्टरनेट कोर्स में वर्टिकल जॉइंट्स होता है दैट इज कॉल्ड परपेंड यहीं पे एक डेफिनेशन दे रखी थी ऑल्टरनेट कोर्स में जो वर्टिकल आपके ज्वाइंट्स है दैट इज कॉल्ड पेंड हां जी वेब पे भी शो होता है जी ऐप पे भी शो होता है दोनों जगह पे शो होता है पंचायती राज के कोर्स में जब हम जाते हैं तो वहां पे डायरेक्टली शो हो जाता है सारा ठीक है जी अब आगे चलते हैं अब जो आपको क्वेश्चन पता करने लगे हैं क्वेश्चन आने वाले हैं टाइप ऑफ बॉन्ड राजपाल जी क्वेज अवेलेबल है वहीं पे आप चेक करिए क्वेज अवेलेबल है फाउंडेशन का पीडीएफ अभी कर रहे हैं ठीक है जी वापस उसी पे जाएंगे तो मिल जाएगा टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखिए अब क्या होते हैं फॉलिंग आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड जी जी सबसे ज्यादा जो जनरली क्वेश्चन आते हैं ना इन चार बॉन्ड्स के ऊपर आते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है और कहीं कई बार ऑब्जेक्टिव में इसके ऊपर भी आ जा कई कई बार ऑब्जेक्टिव में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है ठीक है जी चलिए जी स्ट्रेचर बॉन्ड हेडर बॉन्ड इंग्लिश बॉन्ड फ्लेमिश बॉन्ड ये चार बॉन्ड होते हैं अब बॉन्ड्स के बारे में समझते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड से क्या पता लगता है मुझे कि जब सारे स्ट्रेचर एक ही लाइन में होंगे स्ट्रेचर बॉन्ड और स्ट्रेचिंग बॉन्ड इज वन इन विच ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज स्ट्रेचर ऑन द फेसिज ऑफ द वॉल्स स्ट्रेचर बॉन्ड और स्ट्रेचिंग बॉन्ड इज द वन इन विच ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज स्ट्रेचर ऑन द फेसिस ऑफ द वॉल ठीक है जी थी, सारे ही स्ट्रेचेस लगा दिए सारे ही स्ट्रेचेज लगा दिए एक सच इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया यहां पे जब भी क्वीन क्लोजर कहां लगाया जाता है आपसे सुटेबिलिटी पूछती है क्वीन क्लोजर की बहुत बार पेपर में आती है सुटेबिलिटी ऑफ क्वीन क्लोजर सुटेबिलिटी ऑफ क्वीन क्लोजर क्वीन क्लोजर कहां पे लगाया जाता है तो इसमें लिखिए सुटेबिलिटी में सुटेबिलिटी ऑफ क्लोज क्वीन क्लोजर आर प्लेस्ड आर प्लेस्ड इन हेडर कोर्स नेक्स्ट टू फर्स्ट ब्रेक क्वीन क्लोजर आर प्लेस्ड इन हेडर कोर्स नेक्स्ट टू फर्स्ट ब्रेक अभी आगे डायग्राम में समझेंगे भाई याद रखिएगा हेडर कोर्स में प्लेस करा जाता है और पहली ब्रेक के बाद जोन सी ब्रिक डाली जाती है वो कौन सी डाली जाती है क्वीन क्लोजर कौन सी डाली जाती है जी क्वीन क्लोजर डाली जाती है चलिए जी पहले स्ट्रेचर स्ट्रेचर ये अगर सारे चल जाएंगे तो वो कौन सा बॉन्ड होगा स्ट्रेचर बॉन्ड होगा सारी स्ट्रेचर है द टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉमनली यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग टेन सेंटीमीटर थिक पार्टीशन बॉल्स अगर आपको ब्रिक पार्टी के बारे में लगाना है, मतलब जहां पे आपकी लोड बेयरिंग नहीं है तो वहां पर आप स्ट्रेचर बॉन्ड लगा सकते हैं सारी स्ट्रेचर होंगे नेक्स्ट है वन विन विच ऑल द ब्रिक्स आर लेड एजर इन द फेस ऑफ द ऑल सारी टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉमनली brickwork फॉर कंस्ट्रक्टिंग ब्रिक वर्क ऑफ corbels, cornice के बारे में जो भी cornice क्या होते हैं जी जो भी हमारा आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने होते हैं या जहां पे आपको जो उसकी प्रेजेंस है appearance है अच्छी करनी होती है जनरली अभी हम ये आज brick पढ़ रहे हैं मंडे को हम स्टोन मेसनरी पढ़ेंगे तो उसमें यूज होते हैं ये कॉर्बेल्स कॉर्निस वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा अपियरेंस के लिए याद रखिएगा कॉर्निस अब इंग्लिश बॉन्ड दिस इज द मोस्ट कॉमनली बॉन्ड फॉर ऑल वॉल थिकनेस द वॉल इज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रोंगेस्ट है ये बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्स ऑफ हैडर एंड स्ट्रेचर इन ऑर्डर टू ब्रेक द वर्टिकल इन सक्सेसिव कोर्सिस फर्स्ट हैडर जो मैंने आपको लिखवाया सुटेबिलिटी वाला वो यहाँ पे भी आ गया है कि क्वीन क्या होता है अगर मैं एक कोर्स में हेडर हैडर है दूसरे कोर्स में स्ट्रेचर स्ट्रेचर डाल रहा हूं तो वो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक करने के लिए पहले हेडर के बाद हम क्या डालते हैं क्वीन क्लोजर डालते हैं इंडिया में देखिए आसान काम है ना पहले हेडर हेडर लेबर ने रखने शुरू कर दिए फिर लेयर में स्ट्रेचर स्ट्रेचर रखने शुरू कर दिए फिर हेडर हेडर रखने शुरू कर दिए फिर स्ट्रेचर स्ट्रेचर तो ये आसान काम है इंडिया में कॉमनली यूज केड़ा होता है कॉमनली यूज होता है हमारा इंग्लिश बॉन्ड कॉमनली यूज बॉन्ड कौन सा है जी इंग्लिश बॉन्ड है कॉमनली बॉन्ड कौन सा इंग्लिश बॉन्ड है corbell क्या होता है जी अगर मैं कॉर्बेल की बात करता हूं नीचे सपोर्ट देने के काम आता है अगर आप कॉर्बेल की बात करो स्टोन मैसेंड में पढ़ेंगे नीचे सपोर्ट देने के काम आता है अंडर साइड ग्रूव करा जाता है सपोर्ट देने के लिए दैट आर कॉल्ड कारबेल अभी हम पढ़ेंगे स्टोन में तो आप देखिए इंग्लिश बॉन्ड जनरली अडॉप्ट करा जाता है पहले के बाद कौन सा क्लोजर होता है जी क्वीन क्लोजर होता है क्वीन क्लोजर जनरली जनरली इंग्लिश बॉन्ड अडॉप्ट करा जाता है इंडिया में और ये स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड है इसकी सुटेबिलिटी भी हम पढ़ेंगे इसमें सेकेंड अगर हम देखते हैं डबल फ्लेमिश बॉन्ड डबल फ्लैमिश बॉन्ड काफी बार कंपैरिजन में आता है फ्लैमिश बॉन्ड और इंग्लिश बॉन्ड के ऊपर तो फ्लेमिश बॉन्ड और इंग्लिश बॉन्ड की अगर हम बात करें तो फ्लेमिश बॉन्ड और इंग्लिश बॉन्ड के बीच में अगर हमें चीजें देखनी है इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड ईच कॉम्प्रोमाइज ऑफ अल्टरनेट हैडर एंड स्ट्रेचर ईच कॉम्प्रोमाइज ऑफ अल्टरनेट हैडर एंड स्ट्रेचर मतलब हैडर फिर क्यू इनक्लोजर फिर स्ट्रेचर हैडर स्ट्रेचर हैडर स्ट्रेचर बड़ा मुश्किल है जी इंडिया के लिए हैडर स्ट्रेचर हैडर स्ट्रेचर डालना तो ये फ्लैमिश बॉन्ड होता है तो इसमें क्या होता है एक हैडर होता है एक स्ट्रेचर होता है एक हैडर होता है स्ट्रेचर होता, होता है फिर हैडर और फिर स्ट्रेचर यूज करा जाता है ठीक है हेडर है, स्ट्रेचर के बारे में हम यहां पे बढ़े इसमें आपको एक चीज और ख्याल रखनी है हेडर स्ट्रेचर में जो एक होता है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड और एक होता है डबल फ्लेमिश बॉन्ड लेकिन ईच कोर्स कॉम्प्रोमाइज ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर अब क्या होगा क्वीन क्लोजर आर प्लेस नेक्स्ट टू क्वीन हेडर इन ऑल्टरनेट क्लोजर मतलब क्वीन क्लोजर क्वीन क्लोजर कहां डाली जा रही है जी ऑल्टरनेट डाली जा रही है जिसमें हेडर बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है उसमें डाली जा रही है बीच में एक हेडर के बीच में और एक स्ट्रेचर के बीच में बीच में क्या डाला जा रहा है क्वीन अब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड पूछा जाता है कौन सा है जी इंग्लिश बॉन्ड है मेरा स्ट्रॉन्गर सारी चीजों में बेटर है जी आप याद रखिएगा जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आए इंग्लिश बॉन्ड मेरा हर चीज के लिए बेटर है इंग्लिश बॉन्ड मेरा हर चीज के लिए बेटर है बट फ्लेमिश बॉन्ड का क्या फायदा है जी फ्लेमिश बॉन्ड अपियरेंस के ऊपर काम करता है अपियरेंस बहुत अच्छी होती है फ्लेमिश बॉन्ड गिव्स मोर प्लीजिंग अपीयरेंस अब जहां पे आपको बात करते हैं अपीयरेंस की अगर आपको अपीयरेंस अच्छी बनानी है तो उसके लिए आपको लेबर भी स्किल्ड चाहिए आपको लेबर भी क्या चाहिए स्किल्ड चाहिए अगर स्किल्ड लेबर नहीं मिलेगी तो क्या होगा हमारे पास स्किल्ड लेबर ना मिलने के कारण हम नॉर्मली ही स्ट्रक्चर बना देंगे अब क्या होता है ध्यान से समझेगा कंस्ट्रक्शन विद फ्लैमिश बॉन्ड रिक्वायर्ड ग्रेट स्किल ऑन कंपैरिजन टू इंग्लिश बॉन्ड स्किल लेबर चाहिए अब अगर हम बात करते हैं एक होता है सिंगल फ्लैमिश बॉन्ड और एक होता है डबल फ्लैमिश बॉन्ड सिंगल फ्लैमिश बॉन्ड इज यूज वेयर कॉस्टियर ब्रिक्स आर स्पेसिफाइड फॉर फेसिंग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड गुड अपियरेंस ऑफ द वॉल ऑफ अ बिल्डिंग सिंगल फ्लैमिश में मैं आपको एक टर्म लिखवाता हूं एक सिंगल फ्लैमिश में कंसिस्ट ऑफ डबल फ्लैमिश बॉन्ड फेसिंग एंड इंग्लिश बॉन्ड बैकिंग इन ईच फेस अब इसका मतलब समझते हैं क्या होता है जी ये मैंने आपको डबल फ्लेमिश बॉन्ड बताया है क्वीन हेड क्वीन हेड सिंगल फ्लेमिश में क्या करते हैं जी जो फेसिंग फेस है जो बाहर से दिखावा करना है वहां दिखावे में तो क्या दिखा देते हैं कि डबल फ्लेमिश बॉन्ड है और सेकंड में क्या करते हैं पिछली वाली तरफ में इंग्लिश बॉन्ड लगा देते हैं बैकिंग में ठीक है जहां पे क्या हो अपियरेंस और अगर हमारे को प्राइम इंपॉर्टेंस ही हमारी अपियरेंस है तो आगे पीछे दोनों तरफ क्या होगा डबल फ्लेमिश बॉन्ड होगा आगे पीछे क्या होगा डबल फ्लेमिश बॉन्ड होगा वॉल्स क्या है जी थिकर देन वन व हाफ ऑफ ब्रेक है तो याद रखिएगा अगर कभी भी क्वेश्चन आता है जो सिंगल फ्लेमिश है वो तो जो कॉम्बिनेशन है किसका है डबल फ्लेमिश का और इंग्लिश बॉन्ड का और डबल फ्लेमिश बॉन्ड क्या है मेरी suitable. ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं अभी ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे आपसे द बॉन्ड इज यूज इन थिक वॉल्स रैकिंग बॉन्ड जो बड़ी मोटी वॉल्स है उसमें यूज करा जाता है बॉन्डिंग ब्रिक्स आर केप्ट एन ए इंक्लिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ द वॉल मतलब इसमें रैकिंग में क्या होता है जी इंक्लिनेशन पे ब्रिक्स रखी जाती हैं इंक्लिनेशन में ब्रिक्स रखी जाती है मेरी अब एक है डायगनल बॉन्ड है और एक है डायगनल बॉन्ड इज बेस्ट सुटेड फॉर वॉल्स विच आर टू टू फोर्थ ब्रिक्स थिक मतलब दो से चार ब्रिक्स लग रही हैं अगर एक ही उसमें दैट आर डैगनल बॉन्ड द बॉन्ड इज इंट्रोड्यूस एट रेगुलर वर्टिकल इंटरवल जनरली एट एवरी फिफ्थ और सेवंथ कोर्स ठीक है इन एवरी ऑल्टरनेट कोर्स ऑन डायरेक्शन ऑफ ब्रिक्स इज रिवर्स अब यहां पे देख लेते हैं जी ये चीज बन रही है हमारी डायग्नल बॉन्ड में क्या है जी इस तरह से चल रहे हैं डैगनली लेके चल रहे हैं डायगनली हम लेके चल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में इंक्लिनेशन चल रही है आपको समझ आ गया होगा इसमें बीच में सारी ब्रिक्स डायग्नली चल रही है सुटेबिलिटी क्या है हर्टिंग द वॉल थिकनेस टू टू फोर ब्रिक डायग्नल बॉन्ड इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोटिंग ऑफ हाई वॉल्स मतलब जो कंस्ट्रक्शन किसके लिए काम आते हैं जहां पे फोटोंग डाली जाती है हाई वॉल्स के लिए इंडिया में तो यूज करते ही नहीं है जनरली स्टेट ही यूज करते हैं अब हेयरिंग बोर्ड उससे भी ज्यादा खतरनाक है इसमें क्या करते हैं सेंटर से क्या कर लेते हैं आधे डेगनल इस तरफ को इंक्लाइंड हो जाते हैं और आधे डाइग्नल इस तरफ को इंक्लाइंड हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड हेरिंग बोन बॉन्ड इसको क्या बोला जाता है हेरिंग बोन बॉन्ड बोला जाता है आधे लेफ्ट साइड में डेगनल हो जाते हैं आधे राइट साइड में डैगनल हो जाते हैं हेरिंग बोन बॉन्ड इज मोर सुटेबल फॉर वॉल्स विच आर थिक्कर देन फोर ब्रिक मतलब थ्री टू फोर ब्रिक के लिए क्या यूज हो रही थी मेरी कौन सी वॉल यूज हो रही है जी मेरी हो रही है डायगनल बॉन्ड यूज हो रहा है और हेरिंग बोन बॉन्ड कहाँ पे यूज हो रहा है जहां पे थिकनेस फोर ब्रिक से भी ज्यादा हो रही है फोर्टी फाइव डिग्री पे इंक्लाइन करते हैं और डायरेक्शन क्या होती है ऑपोजिट होती है फोर्टी फाइव डिग्री पे इंक्लाइन करते हैं और डायरेक्शन क्या होती है जी ऑपोजिट होती है आर्किटेक्चरल फिनिश बहुत ज्यादा अच्छी होती है ऑर्नामेंट्स वगैरह जनरली यूरोपियन अगर हम बात करें यूरोपियन कल्चर की तो यूरोपियन कल्चर में ऐसी चीजें यूज करी जाती हैं नेक्स्ट है इंग्लिश क्रॉस बॉन्डिंग द बॉन्ड हैविंग हेडर एंड स्ट्रेचर लेड इन ऑल्टरनेट कोर्स एंडर प्रोवाइड आफ्टर क्वीन स्ट्रेचर इज एवरी ऑल्टरनेट कोर्स इंग्लिश क्रॉस बॉन्डिंग इतनी ज्यादा पूछी नहीं जाती है फेसिंग बॉन्ड इतना ज्यादा नहीं है इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड इज फॉर ब्रेकवर्क वो बोथ स्ट्रेंथ एंड अपीयरेंस क्लियर कॉमनली यूज नहीं करी जाती क्रॉस बॉन्डिंग में आपको अल्टरनेट हेडर एड स्ट्रेचर के साथ साथ आपको क्या करना पड़ता है क्वेन इन क्लोजर वगैरह भी काफी डालने पड़ते हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फेसिंग बॉन्ड क्या है जी जो फ्रंट फेस के लिए बन रहा है ठीक है फेसिंग ब्रिक कॉस्टियर होती है ठीक है तो इकोनॉमिकल ब्रिक वर्क हमें यूज करना पड़ता है फेसिंग बॉन्ड क्या जो आपको दीवार बाहर से दिखने वाली है डच बॉन्ड इंपॉर्टेंट है जी डच बॉन्ड काफी बार क्वेश्चन आता है बॉन्ड हैविंग एंड स्ट्रेचर लेड इन ऑल्टरनेट कोर्स एंड एवरी स्ट्रेचिंग कोर्स स्टार्टेड विद्री बायर ब्रिक बैट थ्री बाय फोर ब्रिक बैट का मतलब क्या था जी ये मेरी ब्रिक थी हमने क्या करा इतने पोर्शन को कट कर दिया और थ्री बाय फोर ब्रिक का एरिया रहने दिया वन बाय फोर को क्या कट कर दिया दैट इज कॉल्ड डच बॉन्ड डच बॉन्ड में क्या होता है थ्री बाय फोर ब्रिक बैट होते है सुटेबिलिटी क्या होती है डच बॉन्ड इज नॉट वेरी कॉमन इट इज यूज ओनली फॉर ब्रेकअर वेयर स्ट्रेंथ इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस डच बॉन्ड का क्या फायदा होता है जी इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई होती है इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई होती है और ये किसको मोडिफाई करा हुआ है डच बॉन्ड इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मोडिफाइड वर्जन ऑफ इंग्लिश बॉन्ड तो इंग्लिश बॉन्ड को अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो वो डच बॉन्ड बन जाएगा क्वीन क्लोजर की जगह थ्री बाय फोर ब्रिक बैट लगा देंगे सिर्फ इतना सा डिफरेंस है डच बॉन्ड में तो इंग्लिश बॉन्ड के ऊपर मॉडिफिकेशन करी गई है नेक्स्ट है बॉन्ड इज सिमिलर टू हेरिंग बॉन्ड बॉन्ड एक्सेप्ट द ब्रिक्स आर लेड इन जिगजैग फैशन जिगजैग फैशन क्या हो गए जी एक बार स्ट्रेट ऐसे फिर ऐसे ये जिगजैग बन रहा है जी मेरा ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये पोर्शन मेरा क्या बन रहा है सारा Zigzag बन रहा है इट इज कॉमनली यूज फॉर पेगिंग ऑफ पेविंग ऑफ ब्रिक फ्लोर हाँ जी जब भी आप फ्लोर देखते हो फ्लोर देखते हो आजकल तो फ्लोर्स में क्या होता है zigzag की वो होती है कुलदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हो वहां पे क्वीन क्लोजर की जगह इंग्लिश हो तो ऑल्टर आजकल क्या होता है जो टाइल्स होती है नीचे बिछाई होती है वो इस शेप में बिछाई होती है आजकल जनरली हम उसको रेप्लिकेट करने के लिए वॉलपेपर्स आ गए हैं आजकल ब्रिक वर्क अगर महंगा लगता है वॉल पेपर्स लगा देते हैं टाइल्स लगा देते हैं उस शेप की टाइल्स सस्ती बढ़ती है टाइल्स हो जाते हैं और आजकल जो आर्किटेक्चरल अपीयरेंस के बारे में हम बात करें तो अभी जो कुछ टाइम से फैशन में आया है वो आया है रॉ रॉ मटेरियल फैशन में आया है अब क्या होता है अब ना बिल्डिंग को ऐसे छोड़ दिया जाता है ब्रिक वर्क के ऊपर प्लास्टरिंग वगैरह करके प्लेन भी नहीं करते आपने काफी रेस्टोरेंट देखे होंगे काफी रेस्टोरेंट्स वगैरह देखे होंगे तो वहां पे ब्रिक वर्क ही ऐसी छोड़ देते हैं बीच में और स्पेशली कहीं जगह पे ब्रिक वर्क बनाया जाता है जैसे जिनकी आर्किटेक्चरल वर्क बहुत ज्यादा अच्छा जैसे सोशल हो गया ठीक है एक बड़ी चीन है सोशल की और काफी और भी जगह पे जहां पे ब्रिक वर्क पे काम नहीं कराते और टॉप पे क्या कराए जाते हैं रूफिंग भी नहीं कराई जाती जैसे रूफिंग वगैरह पहले कराया जाता था तो क्या करते रूफिंग पे बड़ा पैसा खर्चे थे जी फॉल सीलिंग कराई जाती थी आजकल क्या करा जाता था आजकल अगर हम बात करते हैं ऊपर टॉप पे देखो ब्लैक कलर कर देते हैं जो डक्स होती हैं वो भी ब्लैक कलर की करके छोड़ देते हैं ठीक है और उसमें खर्चा भी कम होता है और थोड़ी अपीयरेंस भी अच्छी होती है आजकल उस फैशन में ज्यादा काम कर रहे थे बिल्कुल जी विलेज रोड में यूज करी जाती है जो टाइल्स वो इसी बॉन्डिंग के लिए होती है डच के लिए मैं रिपीट कर रहा हूं डच में सिर्फ इतना फर्क था जो पहला हेडर के बाद यहां पे मेरा क्वीन क्लोजर लगता था क्वीन क्लोजर की जगह क्या लग रहा है यहां पे यहां पे थ्री बाय फोर्थ ऑफ बैट लग रहा है थ्री बाय फोर्थ ऑफ बैट लग रहा है मेरे पास थ्री बाय फोर्थ ऑफ बैट लग रहा है आजकल ओपन से लिंग का बिल्कुल चरण जी वो कॉन्सेप्ट है ठीक है जी यहां तक थे आप सब क्वेश्चन करते हैं थोड़े से और बाकी आपको मैं क्विज में पूछ लूंगा <coughs> बाकी सारे हम क्विज में पूछ लेंगे थोड़े से ट्राई करके देखते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू ट्राई करोगे तो ज्यादा आपको आइडिया होगा फर्स्ट क्वेश्चन द व्रिकवर्क इन इंडिया इज डन बताइए फटाफट अब आपको आंसर्स बताने हैं तो देखिए कौन सा बॉन्ड इंडिया में यूज करा जाता है इंग्लिश बॉन्ड काफी कॉमनली यूज करा जाता है नेक्स्ट थोड़ा सा रिलेटेड नहीं है बट चलो कोई ना ट्राई करिए फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन हर्टिंग का क्या मतलब होता है गगनजीव जी हर्टिंग की भी बात बता देता हूँ हर्टिंग का मतलब क्या होता है जो फेसिंग और बैकिंग के बीच में डाली जाती है दैट इज कॉल्ड हर्टिंग जो स्पेस होती है ऐसा नहीं आएगा कुलदीप जी फोर्थ क्वेश्चन बताइए जी इजी है जी फोर्थ क्वेश्चन बताइए देखिए जी रिमूवल इजी करने के लिए क्रूड ऑयल डाला जाता है रिमूवल इजी करने के लिए क्रूड ऑयल डाला जाता है बिल्कुल सही चलिए जी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए एट ये बड़ी बार क्वेश्चन आया है अब देखिए क्या होगा अब आप कहोगे थ्योरेटिकली में तो सर ये चीज आपने बताई नहीं कि वर्टिकल जॉइंट में ऐसे टाइम्स होता है और आपने ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछी है तो कुछ चीज जो हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की वो एमसीक्यू से ही पता लगती है हाँ जी बताइए देखिए ये याद रखिएगा नंबर ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स स्ट्रेचर कोर्स में स्ट्रेचर कोर्स में कितने वर्टिकल जॉइंट्स होते हैं वो होते हैं हाफ ऑफ द नंबर ऑफ जॉइंट्स इन हेडर कोर्स याद रखिएगा क्योंकि देखो हेडर कोर्स में ही हम डाल रहे थे ना क्वीन क्लोजर तो हेडर कोर्स में डाल रहे थे हम क्वीन क्लोजर तो याद रखें नंबर ऑफ वर्टिकल ज्वाइंट स्ट्रेचर कोर्स में क्या होते हैं हाफ होते हैं उससे क्वीन क्लोजर से चलिए जी अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं आज का क्विज विज के बाद आपके पास आ जाएगा थोड़े से एमसीक्यूज़ और ट्राई करते हैं आइडिया होएगा चलिए ये बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर हर्टिंग ऑफ थिकर वॉल्स हर्टिंग ऑफ थिकर वॉल्स फॉलिंग शुड बी यूज फॉर हर्टिंग ऑफ थिकर वॉल्स जी देखिए क्या करा जाएगा ध्यान से H4 क्या कै हर्टिंग और H4 क्या कै है, हैडर तो क्या याद कराया था यहां पे क्या डलेगा हैडर डलेगा क्वेश्चन नंबर जरूर बताइए जी जिसका भी आंसर दे रहे हो आप तो हर्टिंग में क्या होगा हेडर होगा हर्टिंग में क्या होगा जी हैडर होगा चलिए जी हाफ ब्रिक थिक वॉल विल बी बताइए हाफ ब्रिक थिक वॉल विल बी कितने सेंटीमीटर की होएगी जी बताया था राजपाल जी आपको ना अभी आप पिछले टॉपिक पे देखिए मैंने बताया हेडर हर्टिंग में हेडर ही यूज करते हैं हाफ ब्रिक थिक वॉल विल बी टेन सेंटीमीटर थिक याद रखिएगा कितने सेंटीमीटर थिक होती है ये टेन सेंटीमीटर थिक होती है टेन सेंटीमीटर थिक होती है, है. चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन लोड्स हैवी लोड्स के लिए कौन सा यूज कराया जाता है ठीक है जी सही आंसर जा रहे हैं कौन सी बुक से कराने जी हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बुक है उससे कराई जा रही है सारी उसी से एमसीक्यूज़ हैं आप ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है अगर आपको अकेली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बुक भी चाहिए द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रोवाइडिंग ब्रिक मिसनरी फॉर कैरिंग हैवी हैवी लोड्स लोड्स के लिए क्या प्रोवाइड करा जाता है कौन सा बॉन्ड होता है हैवी लोड्स के लिए इंग्लिश बॉन्ड इंग्लिश बॉन्ड क्या करता है हमारा जो इंडिया में यूज होता है कई बार आपको क्वेश्चन आता है जी इंडिया में कौन सा यूज होता है तो कभी भी आपका जहां पे भी सेंटर बनता है जनरली वहां पे कोई भी बिल्डिंग ब्रिक वर्क के बगैर होती नहीं है तो वहां पे अगर आप सामने ब्रिक वर्क देख लोगे ना जाके तो आपको दिख जाएगा स्ट्रेचर की लाइन अलग है की लाइन अलग होती है तो आपको दिख जाएगा स्ट्रेचर की लाइन अलग है और हेडर की लाइन अलग है इंपार्ट हाइड्रोलिसिटी होता है जिंदर देवी जी उसका चलिए आगे अगला ट्राई करके देखते हैं एक्सपेंशन ज्वाइंट इन मै सेंडरी वॉल्स आर प्रोवाइडिव द वॉल लेंथ इज ग्रेटर देन एक्सपेंशन ज्वाइंट कब प्रोवाइड करे जाते हैं जब वॉल लेंथ किससे ग्रेटर हो वॉल लेंथ इज ग्रेटर देन वॉल लेंथ इज ग्रेटर देन बताइए देखिए जी वैसे 45 मीटर का स्पैन होता है 40 मीटर आई एस फोर में भी दे रखा है तो वॉल लेंथ अगर 40 मीटर से ज्यादा होगी तब क्या हुआ, करा जाएगा आपका एक्सपेंशन जॉइंट्स प्रोवाइड करे जाएंगे चलिए इसको ट्राई करते हैं ट्वेंटी फोर्थ पोर्शन ऑफ अ ब्रिक विदाउट अ ट्राइंगुलर कॉर्नर इक्वल टू हाफ द वेट एंड हाफ द लेंथ हाफ द ब्रिक एंड हाफ द लेंथ ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए जी तभी आइडिया होगा ट्राइंगुलर कॉर्नर किस में होता है जी देखिए जी ट्राइंगुलर पोर्शन याद आ गया हमारा यहाँ से भी हाफ यहां से भी हाफ कट कर देते हैं तो आंसर क्या होगा इसका देखो क्लोजर तो क्या होता है डायरेक्टली ब्रेक होगी क्वीन क्लोजर में क्या होता था मेरा क्वीन क्लोजर मेरा क्या करता है जी यहां से मैंने लेंथ से अक्रॉस द विथ कट कर दिया इतना पोर्शन मेरा कट हो गया किंग क्लोजर में मेरा ये पोर्शन कट होता है और स्क्वेंट क्या होता है अगर मैं किसी एंगल पे कट कर रहा हूं किसी एंगल पे कट कर रहा हूं तो उसको क्या बोला जाता है स्क्वेंट ब्रिक बोला जाता है तो आंसर क्या आएगा केंक्लोजर द पोर्शन ऑफ ब्रिक कट टू फॉर्म एंगल्स ही आ गया अदर देन राइट एंगल्स राइट एंगल पे ना कट करें इसके अलावा किसी और एंगल पे कट करें तो उसको क्या बोला जाएगा हाँ जी कह सकते हैं काइंड ऑफ अदर देन राइट एंगल्स स्क्वेंट स्क्वेंट ब्रेक हो गया वेन अ ब्रिक इज कट इन टू टू हाफ लॉन्गिट्यूडनली वन पार्ट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनली कट करें तो ट्वेंटी सिक्स का आंसर क्या होगा हाँ जी तो विदाउट अ ट्रेंगुलर कॉर्नर मतलब क्या हुआ जी कि वो चीज नहीं है वो चीज कट कर चुके हैं ना तो विदाउट होगी उसके कट इन टू हाफ क्या होगा जी क्वीन क्लोजर इजी है जी अब समझ आने लग गए क्वीन क्लोजर अ ब्रिक विच इज गिवन अ वेज लाइक शेप टू बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चिस चलिए ये बताइए क्या होगा इसमें मैं एक्सपेक्ट करता हूं जिन्होंने आर्चिस वाला लेक्चर देखा है मेरा डे वन वाला लेक्चर वो सारे सही बताएं इसका आंसर डे वन वाला लेक्चर जिन्होंने देखा था जिन्होंने नहीं देखा वो यूट्यूब पे अवेलेबल है ऐप पे अवेलेबल है वहां पे देख सकते हैं तो क्या होगा उसको क्या कहा जाएगा द ब्रिक विच इज गिवन अ वेज लाइक शेप टू बी यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चेस याद है जी वेरी गुड याद रखना था जी वॉइजर कहा जाएगा उसको गुड आपको सबको याद है क्या कहा जाएगा उसको वाइजर कहा जाएगा ठीक है जी गुड सही है चलिए जी हेडिंग है वॉल हेडिंग है वॉल छोटा सा टॉपिक है एक और टॉपिक करते हैं आज वॉल द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड टू एनक्लोज एन एरिया द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड हाँ जी मिल जाएंगे जी द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड टू एनक्लोज एन एरिया टू सपोर्ट फ्लोर रूफ और डिवाइड द फ्लोर एरिया ऑफ अ बिल्डिंग इन टू अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम मतलब एक लोड बियरिंग और नॉन लोड बियरिंग वॉल्स होती है मेरी पर्पज ऑफ वॉल्स क्या है मेरा एनक्लोज एन एरिया ऑफ बिल्डिंग सपोर्ट करता है फ्लोर को और रूफ को डिवाइड करता है रूम्स के अंदर हैवी विंड से प्रोटेक्ट करता है और प्रिवेसी देता है इनमेट्स को जो अंदर रह रहे हैं उनको क्या देता है प्रिवेसी देता है अब वॉल की अगर हम बात करते हैं वॉल की सिलेंडरनेस रेशो बहुत बार पूछी जाती है पेपर में शेल बी लेस देन ट्वेंटी याद रखिएगा बड़ी बार सिलेंडरनेस रेशो पूछी जाती है तो सिलेंडरनेस रेशो क्या होगी ट्वेंटी से कम होगी सिलेंडरनेस रेशियो रेशो क्या होएगी ट्वेंटी से कम होएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्स की अगर हम बात करें लोड बियरिंग वॉल्स नॉन लोड बियरिंग वॉल्स वॉल सपोर्ट द रूफ द फ्लोर और रूफ ऑफ अ बिल्डिंग मतलब जो लोड कैरी कर रहा है दैट आर कॉल्ड लोड बियरिंग वॉल्स दैट आर कॉल्ड लोड बियरिंग वॉल्स दैट आर कॉल्ड लोड बियरिंग वॉल्स ठीक है जी अब लोड बियरिंग वॉल्स की अगर हम बात करें तो जो स्ट्रक्चर कैरी करते जनरली आजकल के जो बिल्डिंग्स हैं वो लोड बियरिंग वॉल्स नहीं होती वो फ्रेम स्ट्रक्चर होती है फ्रेम स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कॉलम बीम स्लैब्स में अगर हम बात करें तो वही सारा लोड उठा लेती है फ्रेम स्ट्रक्चर बस बीच में तो स्टेबिलिटी देता है ये। हाँ जी ट्वेंटी वैल्यू याद रखनी है आपको ट्वेंटी है जैसे कोनिंग एडजिंग रेलवे में बताया था ट्वेंटी है वैसे ही मैंने आपको मैसेनरी की भी एक ट्वेंटी की वैल्यू याद करने को कही है ठीक है जी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की क्लास होएगी अब मंडे होगी ठीक है जी मंडे 9 ए एम पे हम क्लास करेंगे सेम यूट्यूब पे बट जो एप वाले स्टूडेंट्स हैं कल उनकी क्लास 11 बजे होगी हम उसमें सर्वे में जो हमने कर्व्स वाला टॉपिक और टोटल के बारे में थोड़ा सा लिखना था वो वाला टॉपिक करेंगे हम प्लस आपका डाउट सेशन होगा कल ठीक है जी डाउट सेशन है प्लस आपकी ऐप पे 11 बजे क्लास है कल इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहे हैं हम ऐप और बाकी मंडे से बिल्डिंग कैरी करेंगे चलिए जी आगे पर्पस ऑफ वॉल में लोड बियरिंग नॉन लोड बियरिंग वॉल्स होगी हैं नॉन लोड बियरिंग वॉल्स के है डज नॉट सपोर्ट फ्लोर्स और रूफ ऑफ ए बिल्डिंग मतलब सपोर्ट नहीं करे जनरली जो सारी होती है नॉन लोड बियरिंग होती है जो बीच में हम डालते हैं अब नॉन लोड बियरिंग वॉल या लोड बियरिंग वॉल्स हैं इनकी अगर वर्टिकलिटी चेक करनी है फील्ड में कि भी वॉल्स हमारी वर्टिकल बन भी रही है नहीं बन रही तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है पेपर में आता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है हां जी कौन सा इंस्ट्रूमेंट बड़ा इजी है जी सब ने सुना हो उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में फटाफट कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता था जी बिल्कुल मैसन्स करते हैं वर्टिकलिटी ऑफ वॉल्स चेक करने के लिए लेबर जो चेक करती है गुड पुनित जी आकर्षण जी गुड सही आंसर है जी तो कौन सी होता है जी प्लम बॉब कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जी प्लम बॉब वर्टिकलिटी चेक करने के लिए प्लम्बॉब इज यूज टू चेक द वर्टिकलिटी ऑफ मेंबर प्लम्बॉब कहते हैं जी इसको दैट इज कॉल्ड प्लम्बॉब ठीक है जी गुड प्रदीप जी सुनील जी गुड चलिए अब कैविटी वॉल्स के बारे में पढ़ते हैं अ कैविटी वॉल और हॉलो वॉल कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट वॉल्स कॉल लीव्स और स्किन कैविटी और गैप इन बिटवीन दैम हाँ जी साहुल बोला जाता है हैरी जी वेरी गुड उसको बिल्कुल साहुल बोला जाता है चेक कर लेंगे इंदर देवी जी क्या वाला उसमें वो है अब आप ये देख लीजिए दोनों के बीच में जो स्पेस होती है दैट इज कॉल्ड कैविटी इसको क्या बोला जाता है कैविटी रीजंस क्या है जी कैविटी प्रोवाइड करने के प्रिवेंशन ऑफ डैम्पनेस मतलब डैम्पनेस ना आ जाए हीट इंसुलेशन हीट से क्या करे इंसुलेट करे साउंड इंसुलेशन मतलब साउंड से भी क्या करे उसको इंसुलेट करे मतलब आवाज ना जाए साउंड इंसुलेशन में आजकल थर्मोकोल वगैरह भी डाल देते हैं बीच में या रुई आती है रुई मतलब कॉटन डाल देते हैं आजकल वुडन पार्टीशन में जैसे आजकल हम क्लासरूम्स के डिजाइन करते हैं या अपने इंस्टीट्यूट बनाते हैं तो बीच में हम क्या करते हैं हॉलो रखने के बाद उसमें क्या डाल देते हैं थर्मोकोल डाल देते हैं या कॉटन डाल देते हैं तो उससे क्या होता है वो sound observing होते हैं Curtain sound observe करते हैं करते पे का economical हो जाता है मतलब पानी नहीं लगता हमारी bricks के हमारी bricks के के ऊपर ऊपर पानी नहीं लगता तो एफेंस हो जाता है अब पार्टीशन वॉल की बात करें द वॉल्स विच डिवाइड द फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग इन टू नंबर ऑफ रूम्स टू प्रोवाइड प्रिविसी टू द इनमेट फ्रॉम साउंडल्ड पार्टीशन वॉल्स और धजी वॉल्स नॉन लोड बियरिंग इन क्रॉस सेक्शन जर्नली क्या होती है थिन होती है क्रॉस सेक्शन में नॉन लोड बियरिंग वॉल्स होती है और पार्टीशन करने के काम आती है अब कुछ रिटेनिंग वॉल्स भी होती है जो लोड कैरी करने के काम आती हैं कुछ रिटेनिंग वॉल्स भी होती हैं जो लोड कैरी करने के काम आते हैं एक होती है ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल ये जितना भी लोड है भाई ग्रेविटी रोकती है सेमी ग्रेविटी रेन रिन, वॉल इसमें क्या करते हैं हम रिइंफोर्समेंट डाल देते हैं सपोर्ट करने के लिए रिइंफोर्समेंट डाली जाती है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल जनरली डिजाइंस आते हैं हमारे को स्टैंप 2 ये मेरा टो है ये मेरी स्टैंप है ये सारा मेरा कुछ वो आपको याद करने के लिए कैंटिलीवर अब काउंटर फोर्ट होते हैं जी काउंटर फोर्ट में क्या करते एक्स्ट्रा सपोर्ट लगा देते हैं जहां पे वाटर बीरिंग प्रेशर होगा या ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा तो वहां काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल जनरली हम यूज कर देते हैं वहां हम क्या यूज करते हैं काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल यूज करते हैं काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल जनरली हमारी यूज करी जाती है यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हां जी बिल्कुल चार इंच वॉल होती है पहले साढ़े तेरह इंच होती थी फिर अब नौ इंच पे आई और साढ़े चार इंच की जो वॉल होती है वो क्या होती है मेरी साढ़े चार इंच वाली वॉल क्या होती है मेरी पार्टीशन वॉल होती है लिखिए द इनर सेक्शन यहां से इंपॉर्टेंट द इनर सेक्शन ऑफ अ कैविटी वॉल द इनर सेक्शन ऑफ अ कैविटी वॉल इज नोन एज लीफ वॉल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूं आपको इनर सेक्शन ऑफ अ कैविटी वॉल is known as leaf wall और लिखिए द सिल क्योंकि वुडन पार्टीशन भी काफी यूज होती हैं ऑफ अ कॉमन वुडन पार्टीशन सेल ऑफ कॉमन वुडन पार्टीशन इज लोअर हॉरिजोंटल वुडन मेंबर इज लोअर हॉरिजोंटल वुडन मेंबर लोअर हॉरिजोंटल वुडन मेंबर की अगर हम बात करते हैं लोअर हॉर्जोंटल वुडन मेंबर क्या होता है सेल जो नीचे वाला एरिया होता है तो यहां पे जो वुडन मेंबर डाला जाता है तो उसको क्या बोला जाता है सेल बोला जाता है अगर वुडन पार्टीशन भी कर रहे हैं जो नीचे वाला पोर्शन है उस वुडन पार्टीशन का क्या बोला जाता है सेल बोला जाता है द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द प्रोसेस ऑफ फिलिंग हॉलो स्पेसेस ऑफ वॉल्स बिफोर प्लास्टरिंग इज नोन एज प्लास्टर करने से पहले जो खाली जगह भरी जाती है उसको क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है नोन एज डबिंग आउट प्लास्टर करने से पहले जो खाली जगह भरी जाती है उसको क्या बोला जाता है डबिंग आउट बोला जाता है दैट इज नोन एज डबिंग आउट द होलो स्पेस बिट्वीन द होलो स्पेस बिटवीन टू वॉल्स ऑफ अ कैविटी शुड नॉट एक्सीड ऑफ अ कैविटी शुड नॉट एक्सीड मतलब कैविटी के बीच में दोनों के बीच में जो जगह होती है वो वॉल्स किससे ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए टेन सेंटीमीटर से टेन सेंटीमीटर से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए शुड नॉट एक्सीड टेन सेंटीमीटर जो भी आपका मटेरियल फिल कर रहे हैं जी मोटार से भी कर सकते हैं हम जो भी आपको चीज खाली है उस पर डिपेंड करता है किस चीज की आपकी स्ट्रक्चर बन रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है तो हॉलोस पीस को क्या बोला जाते हैं फिर एक वीप होल्स डाले जाते हैं बड़ी बार क्वेश्चन आता है वीप होल्स आर प्रोवाइडेड इन रिटेनिंग वॉल वीप होल्स आर प्रोवाइडेड इन रिटेनिंग वॉल एंड ब्रेस्ट वॉल आपको बताया था ब्रेस्ट वॉल किस साइड लगती है हिल साइड रिटेनिंग वॉल किस साइड लगती है वैली साइड मतलब दोनों की सेम ही है बट ब्रेस्ट वॉल बोला जाता है तो वीप होल्स आर प्रोवाइडेड इन रिटेनिंग वॉल एंड ब्रेस्ट वॉल टू किस लिए प्रोवाइड करा जाता है टू ड्रेन ऑफ द वॉटर फ्रॉम द फिलिंग ड्रेन ऑफ द वॉटर फ्रॉम द फिलिंग मतलब पानी निकालने के लिए आप देखते हो कभी भी हिल साइड जाओगे ना वहां पे रिटेनिंग वॉल्स में ऐसे होल्स बने होते हैं उसको क्या बोला जाता है वीप होल्स बोला जाता है जहां से क्या होता है पानी बाहर निकलता है जहां से क्या होता है मेरा पानी बाहर निकलता है जहां से क्या होता है मेरा पानी बाहर निकलता है दैट आर कॉल्ड वीप होल्स चलिए जी आगे समझते हैं चलिए जी कुछ क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिए द पोर्शन ऑफ द वॉल बिटवीन फेसिंग एंड बैकिंग इज द पोर्शन ऑफ द वॉल बिटवीन फेसिंग एंड बैकिंग इज इजी क्वेश्चन है हर्टिंग गुड अगला क्वेश्चन तो फटाफट फड़ सभी का आंसर आ जाएगा पांच सेकेंड के अंदर द टूज यूज बाय मेसन टू चेक द वर्टिकलिटी वर्टिकिलिटी चेक करने के लिए किस लिए यूज करा जाता है वर्टिकलिटी ऑफ वॉल्स के लिए काफी इजी है बिल्कुल जी बॉब। इसका आंसर बताइए चलिए द एयर एंड ट्रेन कॉन्केट इज यूज इन लाइनिंग एंड रूफ फॉर मेकिंग फॉर मेकिंग क्रॉल नहीं होंगे चेक कर लेंगे रोहित जी ओ बारे दे भी देखिए क्या होगा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा बोथ ए एंड बी या ऑल ऑफ द अब जनरली आंसर होते हैं साउंड इंसुलेशन के भी काम आते हैं और हीट इंसुलेशन के भी काम आते हैं चलिए जी एक्सपेंशन ज्वाइंट इन मैसेनरी वॉल्स आर प्रोवाइडेड एक्सपेंशन ज्वाइंट इन मैसेंडरी वॉल्स आर प्रोवाइडेड किस लिए प्रोवाइड करे जाते हैं एक्सपेंशन ज्वाइंट इन मैसेंड्री वॉल्स आर प्रोवाइडेड कब फोर्टी मीटर से चलीजिए एक क्वेश्चन और देखिए कैविटी वॉल्स इज जनरली प्रोवाइडेड फॉर cavity walls is generally provided for cavity walls is generally provided for heat insulation sound insulation prevention all of the above इसलिए प्रोवाइड करे जाते हैं ऑल ऑफ द बिल्कुल सही है जी चलिए यहां पे जो अब थोड़े से पॉइंट्स हमने छोड़े थे लास्ट टाइम में आपको बता रहा था फाउंडेशन में वो पॉइंट्स लिखिए जैसे क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं द लीस्ट जो उसके पॉइंट छोड़े थे द लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल द लीस्ट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या होगा हार्ड रॉक मॉइस्ट क्ले सॉफ्ट रॉक या डी लेमिनेटेड। वॉल्स के रिलेटेड थे देखिए इसमें मॉइस्ट क्ले आंसर आएगा सबसे कम बियरिंग कैपेसिटी किसकी होती है जी मॉइस्ट क्ले की किसकी होती है जी मॉइस्ट क्ले की होती है नेक्स्ट आपको याद रखना है कई बार क्वेश्चन आता है जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही कर रहा हूं फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू रैंकाइंस वैसे सॉइल से रिलेटेड है बट क्या बता इससे पूछ ले सिर्फ फॉर्मूला मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी होनी चाहिए मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर बाय वेट इंटू वन माइनस साइन फाइ बाय वन प्लस साइन फाइ का स्क्वेयर जो वन माइनस साइन फाइ बाय प्लस साइन फाइ होता है वो एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है वो एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है ये थोड़ा साइल से रिलेटेड है अगला पॉइंट लिखिए जो उस दिन लिखवा रहा था फॉर हैवी एम्बैंकमेंट एंड डैम्स ऑफ हाइट एच ऑफ एच द डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ सॉयल the depth of exploration shall शुड नॉट भी लेस देन किससे कम नहीं होनी चाहिए डेप्थ ट्वाइस द हाइट जहां पे हेवी एंग डैम्स वगैरह हो होते हैं वहां पे हम ट्वाइस द हाइट जाते हैं कहाँ जाते, है? जाते हैं ट्वाइस द हाइट जाते हैं ट्वाइस द हाइट बात डायरेक्ट क्वेश्चन है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेनाइट इज कैपेसिटी ऑफ ग्रेनाइट इटी टू 35 फाइव के जी पर सेंटीमीटर डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछ लेते हैं थापर वाले पूछ लेते हैं जी, के, सिर्फ इसी की बात करो एक्टिव अर्थ प्रेशर एक्टिव अर्थ प्रेशर को होता है ये सॉइल का रिलेटेड टॉपिक है सॉइल से रिलेटेड टॉपिक है ठीक है जी इतनी चीजें आपको याद रखनी है यहाँ आपका बॉल इसके बाद क्वेज आपका डल जाएगा क्वेज आप अटेम्प्ट करके देख सकते हो इसका जो ऐप वाले स्टूडेंट है जी कल क्लास है आपके ग्यारह बजे डाउट सेशन भी होगा बाकी सारों की क्लासेस जितने यूट्यूब पे मंडे अब आपसे जो क्वेश्चन लेने हैं क्वेश्चन ले लेते हैं जी जी रणवीर जी आपको साथ में एम क्यू ट्राई करने हैं एम क्यू ट्राई करोगे तो ऑलमोस्ट ये चीज कवर अप हो जाएगी जशन जशनप्रीत जी आपका पहले मैंने रिप्लाई एक्सटेन किया था मैं पहले टॉपिक के बीच में था वाटर सप्लाई में हाँ जी एस की जॉब्स निकलनी है जी बिल्कुल जेई की भी निकलनी है एस की भी निकलनी है और बी एंड आर में भी फिफ्टी फोर के अराउंड जॉब्स आ रही हैं एस डी ओ की ठीक है जी हाँ जी वॉल बड़ा छोटा टॉपिक है जी आकर्षण जी इतना ही है बाकी एमसीक्यूज मिल जाएंगे आपको थ्योरेटिकल पार्ट आपका एड ऑन हो चुका है थ्योरेटिकल पार्ट आप थोड़ा पढ़ लीजिए जो आपकी वोली चीज है ऐप वाले स्टूडेंट ए सिंह जी ऑलरेडी मैं ले ले ल्शन जशनप्रीत जी देता जी थोड़ा रिप्लाई होर कुलदीप सिंह जी लिंक आए की कह रहे हो तो मैंने क्लियर नहीं हो नहीं, नहीं है बट एक बार कोरिजेंडम आएगा एसएससी का तो चरणजीत जी एक्सटेंड हो गया पेपर आया नहीं एक्सटेंड हो गया एक महीना और एक्सटेंड हो गया गुरसिमरन जी कई बार क्रॉस चेक करना होंगे चीज़ा फिर एक आधी मिसटेक रह जाती है फिर उस पर इशू ना हो पहला भी पा दिए कोई दिक्कत नहीं है हाँ जी देखो थ्यूरी और प्रैक्टिकल कभी मैच नहीं करेगा थ्यूरी प्रैक्टिकल कभी मैच नहीं करेगा साइट्स पे कुछ और होगा और नहीं जी आकर्षण जी नहीं खुलते फुल टेस्ट सीरीज जी आएगी थोड़ा सिलेबस हो जाए उसके बाद वो फुल भी आएगी नहीं जी इस आनी है ट्वेंटी ट्वेंटी हाँ जी हरविंदर जी पहला आई टॉपिक पूरे क्लीयर करो उस तो बाद कुछ एक्स्ट्रा लो अदरवाइज थो लोड नहीं है ना करो ट्राई हाले बुक सही नहीं है जी देखो ले लेट हो जाएगा कोरिजेंडम आएगा जी जशनप्रीत जी आनी है मैकेनिकल सिविल दोनों की वॉटर सप्लाई आनी है अल एग्जैक्टली नहीं आया आर आर बी केॉब्स आई हैं हले थ होगा वैस्टन रेलवे जॉब्स आई हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट आई हैं जॉब्स वे बीटा भी एलिजिबल हैं डिपलोमे भी एलिजिबल हैं आर रेलवेज दे अंडर हाँ जी बिल्कुल रोहित जी समझो जी पी एस टी सी एल्बियाँ चरण जी या पी एस पी सी एल पी एस टी सी एल अंदर आनी है हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल कैविटी कैविट खाली छड़ दें अदरवाइज जो मटीरियल हर्टिंग बैकिंग की करडरस डालने इस मंथ द एंड च जतेंद्र वीर जी जी हाले डिफरेंस है जी कैविटी खाली जगह है हर्टिंग भी वे खाली जगह बट वो ब्रिक्स के लिए यूज करते हैं कैविटी वे करते हैं कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला सुनील जी ये एक हाइव बनाती है मार्केट से भी बहुत ज्यादा थोड़ी सैलरी से इफेक्ट पै जाएगा ये हो जाएगा कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पैन गया तो गवर्नमेंट जॉब से ट्राई करो गवर्नमेंट जॉब मिले डिप्लोमा फाइनल ईयर हरविंदर जी जो तो पास आउट हो तो एलिजिबल हो या तो इस साल पास आउट हो रहे हो ट्वेंटी ट्वेंटी से एजिबल हो जी बस पहला इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही सी डिपार्टमेंट अलग अलग हो गए पी एस टी सी एल पी एस पी सी एल ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा जी नहीं हले नहीं कर दिया जी कोई नोटिस सॉफिट की जी? खाली जगह होंपीत जी स्टेज के नीचे जो खाली जगह दॉल्ड सॉफिट ठीक है जी होन हो ਫਿਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀ ਅੱਜਕੱਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੀਜ਼ੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਣ ਲੇਤਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ ਫਰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਥ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਆ ਜੂਗੀ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਵੈਸੀ ਹਰ ਪਰ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਡੇਲੀ ਹੈ ਜੀ ਰਵੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਇਸਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਹਲੇ ਕੌਰੀਜੈਂਡਮ ਆਊਗਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਦੀ ਡੇਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੌਰੀਜੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦ ਤੱਕ ਅਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਉਹ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕੌਰੀਜੈਂਡਮ ਆਊਗਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਾ पेपर लेट आ चुके सितंबर अक्टूबर तक चले जाना जी लेट हो रहे हैं पेपर चरण जी था तक एसडीओ डी पोस्ट मतलब फोर्टीन सेंशन हो चुकी है चौदह जुलाई नो ही नोटिस आया मे बी इस मंथ के एंड तक कट दिन बार एसडीओ डी ओ का बैच पूछा सगा जी हिमांशु जी एसडीओ डी बैच टेंथ ऑफ अगस्त तो स्टार्ट हो रहा संडे कुलदीप जी रेलवे का टैसट है रेलवे का टैसट है इस पर